हाय एवरीवन वेलकम टू पाठक कैम आई हैव ऑलरेडी अपलोड फोर वीडियो ऑफ बायोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस इज अ फिफ्थ वीडियो सो हीमोसाइनिक इट इज़ अ नॉन हिम प्रोटीन जैसे कि हेमडिथरीन था सेम ये भी ऐसी है नॉन हिम प्रोटीन इट इज़ आल्सो नो अस ब्लू ब्लड एंड ब्लू प्रोटीन क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल कॉपर होता है कॉपर की वजह से ये ब्लड का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है इसीलिए इसको ब्लू प्रोटीन भी बोल देते हैं ब्लू ब्लड भी बोल देते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन इन्वर्टिब्लड जितने भी इन्वर्टिब्रेड होते हैं सब में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं इट एक्ट एज कैरियर फॉर ऑक्सीजन जैसे कि हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन भी वैसे भी काम करता था ऑक्सीजन का कैरियर का ये भी इन्वर्टिब्रेड में ऑक्सीजन का कैरियर का, का काम करता है ठीक है इट कंटेंट मोर देन हंड्रेड सब यूनिट एंड मोल्कुलर वेट फोर लाख टू टू करोड़ ये दोनों जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सी एस आई एर नेट के बेस में कि सब यूनिट पूछ पूछेंगे नहीं तो कभी मलक्यूलर uh, वेट भी पूछ देते हैं इसमें कॉपर मेटल सेंटर एटम होता है जिसकी वजह से पूरा ब्लड का कलर जो है ब्लू कलर होता है जैसे कि कॉकरोच में आप देखे होंगे कॉकरोच का ब्लड कलर जो है ब्लड uh, का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है कि उसमें क्योंकि उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है ठीक है जैसे कि हीमोग्लोबिन में था सेम ऐसे ही डी और ऑक्सीफॉर्म इसमें भी होते हैं तो हेमटोथ्रीन में दो आयरन था इसमें कॉपर के दो मॉलिक्यूल होते हैं एक कॉपर थ्री हिस्टाडिन से एंड अनदर कॉर्बन अनदर कॉपर थ्री हिस्टाडिन से अटैच होते हैं ठीक है एंड ऑक्सीफॉर्म में कुछ नहीं बस दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है बाकी पूरा स्ट्रक्चर डी ऑक्सीफॉर्म जैसा ही है इसमें भी कॉपर थ्री हिस्टाडिन से अटैच है इसमें भी कॉपर थ्री से अटैच है बट इसमें ऑक्सीजन आ गए हैं ठीक है तो डी ऑक्सी फॉर्म में आ, प्लस वन ऑक्सीजन फॉर्म में होते हैं ये प्लस टू में होता है ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है ये कि एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर का होता है ये फोर हंड्रेड सिक्सटी पी एम का और ये थ्री हंड्रेड सिक्सटी पी एम का होता है ठीक है और अगर हम इन सभी का कंपेयर करें जितने भी हमने अभी पढ़े हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हेमरेथरीन हीमोसाइनिन तो एक सिंपल सा ये चार्ट है इसकी वजह से आप इसकी हेल्प से हम इजिली इसको याद कर सकते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन जैसे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और हेमरेथिन इन सभी में आयरन होते हैं बट हीमोसाइनिन में इसमें कॉपर होता है जिसकी वजह से ये ब्लू प्रोटीन या फिर ब्लू ब्लड कहलाता है ठीक है तो इसमें जो ऑक्सी और डी फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन में ऑक्सी जो है प्लस थ्री डी ऑक्सी प्लस टू माओग्लोबिन में ऑक्सी जो है प्लस टू और डी ऑक्सी प्लस टू दोनों से होते हैं ठीक है बोथ आर सेम एंड हेमरीथ्रीन में ऑक्सी फॉर्म जो होता है प्लस थ्री में होता है एंड डी फॉर्म जो है प्लस टू में होता है एंड हीमोसाइनिन में ऑक्सीफॉर्म प्लस टू में एंड डी फॉर्म प्लस वन में होता है कलर की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन में रेड ऑलमोस्ट रेड कलर होता है पर्पल कुछ केस में होता है रेयर केस में मायोग्लोबिन जो है रेड कलर होता है और हेमरिथ्रीन जो है वायलेट पिंक कलर होता है और हीमोसाइनिक को जैसे मैंने बताया कि कॉपर है तो उसमें ब्लू कलर पाया जाता है ठीक है और हीमोग्लोबिन का मालिकर वेट सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट होता है मायोग्लोबिन का सिक्सटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड का वन लाख एट हंड्रेड एट थाउजेंड एंड हीमोसाइनिन का फोर लैक टू टू करोड़ होता है ठीक है सब यूनिट की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन फोर सब यूनिट मायोग्लोबिन वन यूनिट हीमोथिनिन एट यूनिट एंड हीमोसाइनिन मैनी ठीक है अगर, अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि डी में अलग और ऑक्सी में अलग दोनों में अलग अलग होता है बट अगर ओवरऑल अगर हम देखे जाए तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हेमटोथिन तीनों का डायमैग्नेटिक होता है बट हीमोसाइन ही इनका एंटीफेरो मैग्नेटिक होता है आई होप ये आपको समझ आया होगा और इस चार्ट के हेल्प से आप सभी को ईजिली याद कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं से इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है मेमोरी बेस बायोनाट्रिक एक ऐसा स्कोरिंग पार्ट है सी नेट का जिसमें डायरेक्ट मेमोरी बेस क्वेश्चन आते हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा नेक्स्ट वीडियो आपका आयरन सल्फर क्लस्टर होगा जो कि बायो का नेक्स्ट पार्ट है थैंक्स फॉर वॉचिंग